दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगी जो थंबनेल में पढ़ा आप लोगों ने हाउ टू यूज एडीसीबी मोबाइल बैंकिंग। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला है मैं जो एडीसीबी मोबाइल बैंकिंग कैसा आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसके विषय में काफ़ी सारा वीडियो बनाया हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं एडीसीबी मोबाइल बैंकिंग कैसा रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सबसे पहले एडीसीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मोबाइल बैंकिंग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी फ्यूचर मिल जाता है एडीसीबी जो मोबाइल बैंकिंग से का माध्यम से आप लोग बहुत सारा फीचर मतलब यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में पढ़ा हाउ टू यूज़ एडीसीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप, ए टू जेड में स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बताने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले तो एडीसीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाके। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे, जैसे कि पासवर्ड डालेंगे, और मैं ऑलरेडी फिंगरप्रिंट इनेबल करके रखा और फिंगरप्रिंट इनेबल करके मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड जैसे कि सामने ऐसा होम पेज खुल जाएगा, डैशबोर्ड जैसे कि होम पेज आपका सामने ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है अकाउंट समरी, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, और नीचे टच पॉइंट्स जैसे मेरे पास दिखाई दे रहा है 838.59 टच पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में शॉर्टकट्स दिखा रहा है, उसके नीचे सेविंग अकाउंट्स डिटेल्स दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, जैसे कि टच पॉइंट्स बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, मैं पूरे ए टू जेड बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, और चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो बहुत सारे न्यू व्यूअर्स है सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते। टच पॉइंट जो होता है, टच पॉइंट्स पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, और यहाँ पर जो टच पॉइंट जमा होता है, जैसे कि आप लोग जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते, जो भी वगैरह वगैरह शॉपिंग करते, जो भी चीज़ सामान खरीदते, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जमा होता है। ठीक है, तो उसको यूज़ कर सकते आप, रिडम कर सकते, जैसे कि सामने ही आ रहा देखिए रिडम फॉर बिल्स पेमेंट्स, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है देख पा रहा है, न्यू पे एग्जिस्टिंग पे और पेमेंट हिस्टोरी। न्यू पे पर जैसे आप लोग जाएंगे, जाने के बाद टेलीकॉम यूटिलाइज जो जी इलेक्ट्रिक बिल स्कूल एंड कॉलेज ट्रांसपोर्ट क्रेडिट कार्ड सब अगर टच पॉइंट है, यहाँ से आप लोग सब कुछ कर सकते। तो मैंने एक बार पिछला एक वीडियो बनाया टच पॉइंट से कैसा मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास टच पॉइंट जमा है 600-700 का ऊपर अगर समथिंग हुआ तो आप लोग 30 दिनों तक 83.2 का रिचार्ज कर सकते हो। उसका विषय में भी वीडियो बनाया, जाके चैनल पर देख लीजिए, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो। टेलीकॉम पर मैं जैसे जाता हूँ, टेलीकॉम पर जाने के बाद देख पा रहा है 83 आप कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 83 में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा आ जाता, ई लाइफ, ई विजन, GSM सर्विस, मोबाइल प्रीपेड पोस्टपेड दोनों आ रहा है। तो हमको रिचार्ज करना, इंटरनेशनल भी आ रहा है देख पा रहा है, VSL रिचार्ज यहाँ पर सवार है, प्रीपेड यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर तो क्लिक 83 आ गया, और मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे, डालने के बाद यस कंफर्म पर जैसा करेंगे, निक नेम देंगे और सेव कर देंगे, तुरंत ही ये क्या है, जैसे कि मैं अभी फिर से दिखाता हूँ, एग्जिस्टिंग पे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो मेरा अकाउंट है ऊपर शो होने लगता, नीचे टच पॉइंट जमा दिखाएगा आपको, जिससे टच पॉइंट में आप लोगों ने क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख पा रहा है मिनिमम आपको 30 दिरहम के ऊपर ही रिचार्ज करना होगा, 10 दिरहम 20 दिरहम डालेगा तो नहीं होगा, और कंटिन्यू पर जैसा कर देंगे और तुरंत ही ये रिचार्ज हो जाएगा। ये क्या बात आ रहा है देख पा रहा है, 6900 मिनिमम टच पॉइंट जमा होगा तब 30 दिरहम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टच पॉइंट के बारे में आप लोगों को पता चल गया, ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, आज लंबी होगा, देखिए पूरा वीडियो के एंड तक देखिए, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पेमेंट, नीचे पेमेंट ऑप्शन पर जाता हूँ मैं, होम पेज का आपको जो समझा दिया, इसके बाद चलिए नीचे स्क्रॉल करते, करने के बाद यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट्स, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आपका बैलेंस देख सकते हैं। उसके बाद
आपका अपना बैलेंस चेक कर सकते, बैलेंस देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये करके रखा कि सारी चीज़ दिखा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स पर जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो डिटेल्स यहाँ पर पूरा शो होगा, अकाउंट प्रोडक्ट अकाउंट नंबर अकाउंट ब्रांच करेंसी IBAN नंबर डेबिट कार्ड नेम स्टार्ट मतलब एक्टिविटी आपके का, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर ब्रांच नेम इसके बाद IBAN नंबर, इसका IBAN नंबर जो इंटरनेशनल में आपको कोई भी मनी ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपको अकाउंट में तो IBAN नंबर देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर भी IBAN नंबर से शुरू होता है, IBAN नंबर एक बार बैंक में आपने दे दिया तो यहाँ और कुछ चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। डिटेल्स में देख लिया और ट्रांजेक्शन में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ट्रांजेक्शन में जैसे कि आपने कार्ड स्वाइप किया, खर्च किया, मतलब आपने कुछ भी शॉपिंग किया, यहाँ पर ट्रांजेक्शन शो होता है, ठीक है। उसके ऑफर ऑफर्स पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ऑफर ऑल राउंड यहाँ पर देख पा रहा है नीड ऑफर जो भी आपका अकाउंट्स में ऑफर एलिजिबल दे रहा है बैंक का तरफ से, यहाँ पर शो होगा नीड टू योर अकाउंट ओपन कर सकते। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, नीड ए न्यू अकाउंट समथिंग मतलब आपको कुछ करना है तो ओपन ना पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ भी क्लोज करा सकते हैं, एक्टिवेट करा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें मैं आगे और भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अभी ये हो गया। इसके बाद मैं ट्रांजेक्शन पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ट्रांजेक्शन में भी तीन जो खुल जाता है, न्यू बेनिफिक्चरी दिखाई देगा आपको, एग्जिस्टिंग बेनिफिक्चरी, इंस्टेंट ट्रांसफ़र विद इन एडीसीबी अकाउंट, उसके बाद पे सैलरी ट्रांजेक्शन हिस्टोरी। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, मैं बात करता हूँ न्यू बेनिफिक्चरी, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन पर आने के बाद न्यू बेनिफिक्चरी आता है। न्यू बेनिफिक्चरी का मतलब देखिए, यहाँ पर जो आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है, जैसे विद इन एडीसीबी अकाउंट, विद इन यूएई, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसफ़र इंडिया ऑनलाइन, अदर बैंक यूए क्रेडिट कार्ड, यहाँ से भी पे कर सकते हैं, एमएक्स कार्ड जो होता है अमेरिकन एमएक्स कार्ड, यहाँ से भी आप लोग आपका भर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, ठीक है। तो विद इन एडीसीबी अकाउंट में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, अगर आपका एडीसीबी अकाउंट है समझ लीजिए, दूसरा एक फ्रेंड का एडीसीबी अकाउंट है, आपको बैलेंस भेजना है तो यहाँ पर सिर्फ अकाउंट नंबर डाल देंगे, तुरंत ही उसका नाम शो हो जाता है, लास्ट का नेम एंड फर्स्ट का नेम शो हो जाता है, आप यहाँ से बहुत ही आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विद इन यूएई ट्रांसफ़र टू अदर बैंक अकाउंट इन यूएई, अगर एडीसीबी का अलावा दूसरा खाता है आपका फ्रेंड का विद इन जो यहाँ पर विद इन यूएई, यहाँ पर जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया ना आईबीएन नंबर जो यहाँ का आईबीएन नंबर दे दिया, तो आपका कोई भी खाता का आईबीएन नंबर यहाँ पर डालेंगे तो उसका नाम शो हो जाएगा और बेनिफिक्चरी ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद में आपको बैलेंस आपने ट्रांसफ़र कर सकते। चलिए मैं बताता हूँ ये ऐड करने के बाद कहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसफ़र भी आप अपना कंट्री में कर सकते, चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल कोई भी कंट्री में, यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद इसके विषय में भी मैंने वीडियो बनाया, जाके देख लीजिए। जैसे मैं इंडिया ले लेता हूँ और इंडिया जैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो शो हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है अकाउंट नंबर नाइस नेम ब्रांच नेम ब्रांच कोड स्वैप कोड आईएफएससी कोड ये सब इंडिया में लगती है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान भेज रहे हैं तो उसमें भी आईबीएन नंबर लगता है, बांग्लादेश में भी आईएफएससी स्वैप कोड होता है, तो यहाँ से भी आप लोग सबसे पहले बेनिफिक्चरी ऐड करना है, ठीक है। बेनिफिक्चरी कैसे ऐड करते हैं उसका विषय में भी मैं वीडियो बनाया, जाके देख लीजिए, मतलब इंटरनेशनल मनी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया ऑनलाइन यहाँ पर सेंड, यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़, इंडिया का जो अकाउंट नंबर बैंक नेम, और यहाँ पर जो और है कि जो अदर बैंक यूएई क्रेडिट कार्ड्स एमएक्स का कार्ड जो यहाँ से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं बताया आप लोगों को इंटरनेशनल मनी एंड एडीसीबी अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मैं जैसे कि बेनिफिक्चरी यहाँ से न्यू बेनिफिक्चरी से मैं ऐड कर दूँगा, ऐड करने के बाद और यहाँ पर एग्जिस्टिंग बेनिफिक्चरी यहाँ पर सारा सबका आपको शो होगा, यहाँ पर जैसे रजिस्टर कर देंगे तुरंत ही ये 1 मिनट के अंदर रजिस्टर हो जाता है, मैसेज आ जाता है अभी आप पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ किसी का भी, लेने के बाद जैसे कि देख पा रहा मेरा अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है आप लोगों को, और यहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बेनिफिक्चरी से। उसके बाद आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंस्टेंट में जैसे क्लिक करेंगे सेंड मनी,
रिक्वेस्ट मनी, स्कैन एंड पे, सेंडिंग रिक्वेस्ट, सबका अलग अलग ऑप्शन। तो सेंडिंग मनी पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग, विद एडीसीबी अकाउंट और विद यूएई ट्रांसफर यूजिंग आईबीएन नंबर, मतलब दूसरा बैंक में आप भेजना चाहते हैं, यहाँ से नीचे का सिलेक्ट करने का और कंटिन्यू करने का, एक्सटेंड करना चाहते हैं आईबीएन नंबर डालेंगे, उसका बेनिफिक्शरी ऐड नहीं होगा मेरे ख्याल से, शायद डायरेक्ट आईबीएन नंबर डालेंगे और नीचे फेड्स बैंक डिटेल्स पर जाएंगे और शो होगा, तुरंत ही ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, किसी के इंस्टेंट का ज़रूरत पड़ जाता है और एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी ऐड करके भेजना सही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, वो भी 1 मिनट लगता है और वो भी सेम ही टाइमिंग माना जाए तो। और विद इन एडीसीबी अकाउंट पर यहाँ पर जैसा क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे एडीसीबी अकाउंट का और यहाँ से आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि और एक आता है ये पर विद इन पवन एडीसीबी अकाउंट, यहाँ पर आपका आप दो अकाउंट चला रहा है तो यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, यहाँ से भी सब कुछ कर सकते हैं, पे एंड सैलरी, मतलब अगर बिजनेस अकाउंट, मेरे ख्याल से बिजनेस अकाउंट रहते हैं, यहाँ से आप लोग आपका अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए सैलरी पे यहाँ पर से रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रांसफ़र हिस्टोरी, मतलब आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया ऑनलाइन, देख पा रहा मैं काफ़ी सारे लोगों को ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन हिस्टोरी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर आप लोग जो मैं ट्रांजेक्शन में जाके बताया, और उसके बाद माय अकाउंट पर चलते हैं। चलने के बाद माय अकाउंट पर क्या आता है, अकाउंट्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, लोन एंड फाइनेंस, इन्वेस्ट एंड डिपॉजिट। तो सबसे पहले अकाउंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो कार्ड अकाउंट्स नंबर, कार्ड सॉरी बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देगा, बैलेंस समरी सब दिखाई देगा जो पहले आप लोगों को बताया। ठीक है, और उसके बाद डेबिट कार्ड्स का आपका डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर डेबिट कार्ड का जो समरी पूरा देख सकते हैं। ठीक, देख पा रहा है, यहाँ से हर एक चीज़ देख सकते। उसके बाद सी मोर पर जैसे क्लिक करेंगे, कार्ड का हैंडल आप पूरा कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे, जो घर से बैठे बैठे आप बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिटेल्स पर जैसे क्लिक करेंगे वो कार्ड का डिटेल्स देख सकते हैं। कार्ड कंट्रोल सेटिंग, यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेटिंग आता है ना, हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, ये पूरा ध्यान से देखिएगा। ट्रांजेक्शन ब्लॉक, सॉरी टेम्पररी ब्लॉक, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे कार्ड को, आप टेम्पररी मतलब ब्लॉक कर सकते हैं, आपका कार्ड ब्लॉक होगी यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड अनलॉक करने के लिए मैं इसके विषय में भी वीडियो बनाने वाला आप लोगों को, अगर कार्ड ब्लॉक हो जाए डेबिट कार्ड, तुरंत ही आप लोग उसको अनब्लॉक भी कर सकते। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, जैसे कि 24 आवर्स के लिए ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, डेबिट कार्ड, और बाद में ऑटोमेटिक खुल जाता है, बाद में आप 24 आवर्स के पहले आप कार्ड को कुछ फिर से पिन कोड डालेंगे, पैसा निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, वो सही नंबर भी डालेंगे तो बोलेगा रॉन्ग 24 आवर्स। लेकिन उसका विषय में मैं वीडियो बनाने वाला, जैसे कि अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया तो आप 24 आवर्स के पहले ही आपको कार्ड को एक्टिवेट करके तुरंत ही बैलेंस निकाल सकते। तो ATM ट्रांजेक्शन, एक बार यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, ATM से पैसा निकाल नहीं सकते, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ATM विड्रॉ डेली लिमिट भी यहाँ से बढ़ा सकते, जैसे क्लिक करूँगा ये मैं अपडेट दे सकते, बढ़ा सकते, ऑनलाइन स्पेंड डेली लिमिट यहाँ से भी कर सकते, जो ऑनलाइन में ई कॉमर्स से कोई भी शॉपिंग करता हूँ ऑनलाइन, यहाँ से लिमिट बढ़ा सकता हूँ। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ये ऑलो करके रखा मैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए मैं काफ़ी बार करता हूँ इसलिए ऑलो हो गया। ठीक है, इससे बंद भी करा सकते। इन स्टोर ट्रांजेक्शन, यहाँ से भी सब कुछ कंट्रोल डेबिट कार्ड का यहाँ से आप कर सकते। और एक महत्वपूर्ण बहुत ही बड़ा सेटिंग है, सबसे ज़्यादा तो हम लोग उसी से सब करते, सर्विस एंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, अगर आपका जो डेबिट कार्ड बाई चांस आपका गुम हो गया, चोरी हो गया, मिसिंग हो गया, यहाँ से ब्लॉक कर सकते हमेशा के लिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ब्लॉक कार्ड पर, उसके बाद जैसे कि ब्लॉक कार्ड पर आप क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। ब्लॉकिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर भी जैसा क्लिक करेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आता है, देख पा रहे हैं, डेबिट कार्ड एक्टिवेशन से लेके डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग, डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट, पिन सेटअप एंड रीसेट। तो डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग
डेबिट कार्ड जैसे कि ब्लॉकिंग आप करना चाहता है, यहाँ पर कुछ रेंज सिलेक्टेशन रेंशन देना पड़ेगा आपको। ब्लॉकिंग क्या रीज़न क्या फ्रॉड लॉस्ट स्टोलिन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लॉस्ट अगर गुम हो गया तो यहाँ से ऐसा देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ये कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप न्यू कार्ड अप्लाई कर सकते। चलिए बैक करते। उसके बाद फ्रेंड्स मोर ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वही ऑप्शन आ रहा है सर्विस एंड रिक्वेस्ट ट्रांसफर टच पॉइंट्स एंड डील्स एंड डिस्काउंट्स। जो और एक बार डील्स एंड डिस्काउंट जो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो ADCB कार्ड जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर जो शो लोकेशन बा डिक्लेन शो लोकेशन पर भी आप क्लिक करेंगे, आपका जो कार्ड अभी फिलहाल कौन सा ई कॉमर्स साइट से डिस्काउंट चालू है बा होटल रेस्टोरेंट में आप जाना चाहते हैं खाना खाना चाहते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वही हिसाब से आप कार्ड को जाके स्वाइप कर सकते, कुछ प्रोसेस कर सकते, सब कुछ कर सकते। यहाँ से आपको सब देखने को मिल जाता है। फिर से जाता हूँ मोर में और ADCB बॉडी, ये तो अलग है, ठीक है, बॉडी से भी आप लोग ये कर सकते, उसका विषय में मैं वीडियो बनाने वाला। इंटरेस्ट रेट यहाँ से चेक कर सकते, इंटरेस्ट रेट पर जैसा क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूरा देख सकते इंटरेस्ट रेट 15 ईयर्स। तो पूरा यहाँ से जो भी अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो एक्सचेंज रेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, आप अपना कंट्री का जो भी एक्सचेंज रेट यहाँ से पूरा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आते हैं क्या यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन ऊपर देख पा रहा है नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो भी बैंक का तरफ से नोटिफिकेशन आपने फॉलो करके रखा सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा, आप कितना क्या किया ट्रांजेक्शन को यहाँ पर बैंक का तरफ से आते रहता है, ठीक है। उसके बाद और एक जो यहाँ पर आपको बटन मिलता है और आपका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, लॉग आउट यहाँ से होता है, मेरा नाम आ गया प्रोफाइल पर, मैं जैसे क्लिक करता हूँ प्रोफाइल यहाँ से यस करूँगा और मेरा प्रोफाइल का जैसे कि मैं OTP डाल दूँगा प्रोफाइल का डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग पर भी जाके आप लोग देख पा रहे हैं चेंज पासवर्ड एंड ऐप रेफरेंस एंड नोटिफिकेशन एंड प्रेफरेंस, ये सारा जो है आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गया तो यहाँ से नहीं होगा, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालने का और न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेट कर सकते हैं आप यहाँ से। पासवर्ड भूल गया तो उसको फॉरगेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आपका पासवर्ड याद है फिर भी आप चेंज करना चाहते तो चेंज पर क्लिक करके कर सकते। ऐप प्रेफरेंस, तो यहाँ पर क्या बता रहा है बैलेंस प्रीव्यू एंड बायोमेट्रिक लॉगिन। बायोमेट्रिक मतलब मैं फिंगरप्रिंट फॉलो करके रखा, ADCB फेस पास मतलब फेस से आपका ऐप खुल जाएगा, वो भी मैंने एक्टिवेट नहीं किया। तो काफ़ी सारा यहाँ पर ऑप्शन है और भी, ठीक है। और नोटिफिकेशन प्रेफरेंस यहाँ पर ट्रांजेक्शन एंड ऑफर्स, मैं ऑफर्स के लिए क्लिक किया और ट्रांजेक्शन के लिए मैं बंद करके रखा जो मैं आपको बताया नोटिफिकेशन, ठीक है, ज़्यादा बहुत नोटिफिकेशन आता है इसलिए मैं बंद करके रख दिया। तो आप लोग चाहे तो ओपन कर सकते हैं और पूरा फ्रेंड आप लोगों को बता दिया। फिर से मैं होम पेज पर जाता और एक कुछ चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आप लोग नीड एडिशनल अकाउंट खोलना चाहता नया और कुछ अकाउंट खोलना चाहता ओपन ना पर जाके भी आप अकाउंट खोल सकते। और जो भी आपको मैं बताया आप लोगों को अभी बताया कार्ड डिटेल्स यहाँ पर शो होएगा, डेबिट कार्ड डिटेल्स। अगर ऑनलाइन आप लोग डिपॉजिट करना चाहते सेविंग बैंक अकाउंट से ओपन ना पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते, इस्लामिक डिपॉजिट भी कर सकते यहाँ से। क्रेडिट कार्ड भी आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते। मेरे पास ऑफर है नीड टू यहाँ पर आ रहा है, देखिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई, तो मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते। तो डील्स एंड डिस्काउंट यहाँ पर जो आ रहा है मैं आप लोगों का भी बताया, ठीक है, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद नीचे न्यू क्रेडिट कार्ड देख पा रहा है अप्लाई नाउ, मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते। देखिए फ्रेंड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए मिनिमम सैलरी यहाँ का एलिजिबल होना चाहिए आपके पास, ऐसा सभी लोगों को दिखाता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता जिसका मिनिमम बैलेंस 3,000, 3,500 दिरहम का ऊपर मिनिमम ADCB में ट्रांसफ़र हो रहा है 6 महीने से, फिर
आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ADCB फेस पास यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, जो आप लोगों को मैं बताया, अगर आप लोग पिन कोड पासवर्ड भूल जाते तो फेस से भी आप लोग साइन इन हो सकते हैं। या फिर एनी हैश अरेबिक यहाँ से ये जो है, और एक यहाँ से जो आप लोग यहाँ से सेंड मनी एंड रिसीव मनी एंड इंस्टेंट विद मोबाइल नंबर से यहाँ से कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था, पूरा आप लोगों को समझा दिया जैसे कि कैसे आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और भी इसके विषय में मैं थोड़ा जो है छोटा छोटा वीडियो मैं लाने वाला है मोबाइल बैंकिंग के बारे में, और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, कैसा यूज़ करते ADCB इंटरनेट बैंकिंग के विषय में भी मैंने वीडियो काफ़ी वीडियो बनाए, जाके देख लीजिए। तो बस इतना ही, तो चैनल पर नया तो जो सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिएगा, आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलेगा, मिलते रहेगा आप लोग।